नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडियन रसोई चैनल में। आज हम सीखेंगे ढाबा स्टाइल अंडा करी मसाला। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे मैंने मिक्स मसाला लिया, जिसमें बड़ी वेलची, छोटी वेलची, दालचीनी, चक्रफूल, लवंग, काली मिर्च, शाही जीरे, इन सबको अभी हम कढ़ाई में डालते हैं। इसके बाद धना एक बड़ा चम्मच, सौंफ एक चम्मच, खसखस एक चम्मच, कसूरी मेथी एक चम्मच, सूखी लाल मिर्च 7-8 लिए यहाँ पे। अब इन सबको हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। इन सब मसाले को हमें सूखे भून लेने के, तेल नहीं डालने का इसमें। इन सब मसाले को स्लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लिया है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इन सब मसाले को गर्म पानी में डालते हैं और इसे 20 मिनट के बाद हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। 20 मिनट होने तक हम अंडा मसाला करी की ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं। तेल हल्का गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 3 तेज पत्ता डालते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे मिक्सी में बारीक पीस लिया है। अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक भून देते हैं। हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इससे कलर अच्छा आता है, अंडा करी मसाला 1 चम्मच। गैस का फ्लेम मैंने स्लो किया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच पानी डालते हैं हम और इसे 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर। अभी गैस बंद कर देते हैं और जो हमने मसाले को रखा था 20 मिनट के लिए, उसे मिक्सी में बारीक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन मसाले को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं बारीक पेस्ट बना लेने के। हमें इस तरह से मसाले को मिक्सी में बारीक पीस लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इन मसालों को हम कढ़ाई में डालते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वादानुसार और इन सब मसालों को हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से तेल छूटने तक भून लेते हैं। हमारे मसाले को अच्छे से तेल छूट चुका है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं।
अभी हम इस कढ़ाई में अंडे को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चम्मच तेल डालती हूँ। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का लिया है। यहाँ पे प्याज को हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेते हैं। प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें उबले हुए 5 अंडे डालते हैं। नमक थोड़ा ही डालिए क्योंकि हमने ग्रेवी में डाला था। अब इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। एक मिनट हो चुका है, अंडे को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें ग्रेवी डालते हैं। गैस का फ्लेम स्लो किया है यहाँ पे। आप इसमें आपके जरूरत के अनुसार पानी डालिए। अभी कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से उबाल आने देते हैं। हमारे अंडा करी मसाला को अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।